हजारों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। जहाँ पर हम आज रहते हैं वहाँ पर पहले कभी डायनासोर रहा करते थे, इसी हवा में सांस लिया करते थे। और इन डायनासोर की कई हजार अलग अलग तरह की प्रजातियाँ थी। इन दैत्यकार जीवों ने करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। कुछ डायनासोर काफी शांत प्रवृत्ति के थे और कुछ बहुत ही ज्यादा खूंखार, भयानक और डरावने थे। इंसानों से पहले ये धरती के सबसे ज्यादा सफल जीव थे। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो इतने शक्तिशाली और विशालकाय जीव इस धरती से गायब हो गए? उनकी प्रजाति का पूरी तरह से नामो निशान मिट गया। और इसे जानने के लिए चलते हैं हम करोड़ों साल पहले उस दिन की तरफ जब धरती से डायनासोरों का अंत हुआ था। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं समय यात्रा पर करोड़ों साल पीछे आज के फाड़ू वीडियो में। आज के दिन से करीब 6,50,00,000 साल पहले, यानी करीब 6.5 करोड़ साल पहले, धरती पर प्रकृति का राज था। हवा काफी साफ थी, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे और धरती पर हरियाली हुआ करती थी। डायनासोर के आपस में लड़ने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें हवा में गूंजा करती थी। छोटे से लेकर बड़ा तक हर जानवर आराम से अपनी जिंदगी इस धरती पर गुजार रहा था। लेकिन सबसे बड़े जीव डायनासोर को ये अंदेशा तक नहीं था कि उनके अंत की कहानी 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा अंतरिक्ष में भटक रहा था जो पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर एक बड़े एस्ट्रॉइड से जाकर टकराता है। इस टकराव के कारण वह छोटा एस्ट्रॉइड तो खत्म हो जाता है, लेकिन बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है। वह पृथ्वी की तरफ 22,000 प्रति मील की रफ्तार से बढ़ने लगता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के ऑर्बिट में घुसते ही इस एस्ट्रॉइड की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और एयर पार्टिकल के फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है। फिर इस टकराव ने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतनी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग के इस लावे की वजह से पूरी तरह राख में बदल गए। क्योंकि करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाला एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप से टकराया था, जिसकी वजह से वहाँ पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा हो गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहाँ की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। जब ये एस्ट्रॉइड चट्टान से टकराया था तो ये चट्टान धूल में बदल गई थी। उस जगह का पूरा मेटल, उस जगह के पूरे पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गए थे, जिसकी वजह से धूल का एक बहुत बड़ा तूफान आया था। पूरी हवा में धूल का एक बादल बन गया था जिसने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। एक बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है वो ये है कि अगर एस्ट्रॉइड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराता तो शायद धरती से डायनासोर्स का अंत कभी नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता या जल्दी गिरता तो वो प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में गिरता, जिसकी वजह से धरती के ऊपर इतनी बड़ी तबाही नहीं आती और ना ही धरती के ऊपर रहने वाले डायनासोर या दूसरे जीवों को कोई ज्यादा खतरा होता। खतरा तो होता लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि उनकी पूरी प्रजाति ही मिट जाए। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस टकराव के करीब 16 मिनट बाद जमीन में ऐसा कंपन पैदा हुआ जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा भूकंप आया। इस भूकंप ने धरती पर जगह जगह विशालकाय सुनामी को जन्म दिया। जो जीव और डायनासोर आग से बच गए थे वो सुनामी की वजह से पानी में डूब कर मर गए। भूकंप की इन तरंगों ने धरती की सतह पर सारे सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद हर कोने पर ज्वालामुखी फटने लगे और बचे हुए डायनासोर इन विस्फोटों की वजह से मर गए। ये नजारा धरती के इतिहास में महाप्रलय का सबसे खतरनाक नजारा था। इस महाप्रलय से जमीन पर रहने वाले डायनासोर और बाकी जीव तो मर गए, लेकिन हवा में उड़ने वाले जीव कुछ समय के लिए बच गए थे। लेकिन विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल, पत्थर के टुकड़े और लावा हवा में जला गया था वो करीब विस्फोट के 40 मिनट बाद वापस धरती की तरफ गिरने लगा और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसने भी आग पकड़ ली। ये ऐसा नजारा था मानो आकाश से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हों, आकाश से गर्म लावा गिर रहा हो, आग के गोले गिर रहे हों और आसमान से गिरने वाली इस आग से उड़ने वाले जीव भी नहीं बच पाए। लेकिन ये धरती के केवल उस तरफ हो रहा था जिस तरफ एस्ट्रॉइड गिरा था। लेकिन इस वजह से धरती के दूसरी तरफ धूल का हजारों किलोमीटर चौड़ा एक तूफान आया और धूल के इस तूफान ने धरती को चारों तरफ से घेर लिया। सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंच पाना असंभव हो गया था। चारों तरफ केवल धूल ही धूल और अंधेरा ही अंधेरा था। हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो चुका
चुका था और इस तरह से धरती की सतह पर मौजूद सभी तरह के पेड़ पौधे वनस्पति और जानवरों की हर प्रजाति का अंत हो गया। इस भयानक घटना से पृथ्वी पर मौजूद 90% प्रजातियां खत्म हो गईं। जिन भी जीवों का वजन 25 किलो से कम था केवल वही बचे, उसके अलावा बाकी सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और दोस्तों यही वो दिन था जिस दिन डायनासोरों का इस धरती से राज खत्म हो गया, उनकी प्रजाति का पूरी तरह से अंत हो गया। जिन डायनासोरों ने 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया था वो अब केवल कहानियों में ही रह गए हैं। लेकिन ये महाप्रलय छोटी प्रजातियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की, यानी स्तनधारी जीव। और यहाँ से शुरुआत हुई डायनासोरों के अंत और इंसानों की इस धरती पर राज करने के दौर की शुरुआत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक इतना छोटा नहीं था लेकिन मैंने इसको एक वीडियो में शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, देखने में मजा आया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करना और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।